दोस्तों, जब भी आप अपना कैरियर चूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखते हैं, क्योंकि कैरियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब बात आती है, आजकल लोग सोचते हैं ना यूट्यूब एज ए कैरियर और नॉट पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो इस चीज़ को, इस टॉपिक को आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बीच में बताऊंगा कि यूट्यूब एज ए पार्ट टाइम या फुल टाइम, लास्ट में आपको बताऊंगा ये भी कि अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और दोनों में आपको लॉस भी क्या हो सकता है। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूट्यूबर बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर वीडियोज़ बनाने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं पता आपको किस फील्ड में जाना है तो आप बाद में जाकर भटक सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को दो या तीन फील्ड के अंदर कन्फ्यूज़न है, दो या तीन कैटेगरीज के अंदर मेरे को कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उन दोनों तीनों कैटेगरीज़ के अंदर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन अलग अलग जीमेल आईडी से अलग अलग यूट्यूब चैनल बना के स्टार्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा, पहली बात तो आपको ये क्लैरिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी कि किसके अंदर आपको रिस्पॉन्स जो है ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब लोगों को वो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। धीरे धीरे जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि मेरा ये कॉन्टेंट लोगों को पसंद आ रहा है और इसके अंदर मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा है, तो उसके अंदर आपकी क्वालिटी जो है और बेहतरीन होती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो आप जिस जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का टॉपिक और उसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि मे बी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका लास्ट इंप्रेशन हो सकता है। कहते हैं ना ऐसा, फर्स्ट इंप्रेशन मे बी और लास्ट इंप्रेशन। तो जब पहला वीडियो बनाए, और मेरी तरफ से तो सजेशन ये है, जब पहले आपके 10 वीडियो हों वो इतने ज़बरदस्त हों, इतनी उमदा क्वालिटी के हों कि जो भी उसको देखे ना वो बंदा ये कहे। और यार, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जब आप पहला वीडियो बना रहे हो ना, पहले कुछ वीडियो बना रहे हो, चाहे आपको 10 बारी वो वीडियो बनाना पड़े, चाहे 20 बारी वो वीडियो बनाना, चाहे 25 बारी वीडियो बनाना पड़े, लेकिन वीडियो ऐसा बना के रखना जैसे एकदम डायमंड होता है ना, हीरे की तरह एकदम पॉलिश, चमकना चाहिए वो वीडियो, उसका कंटेंट इतना जबरदस्त होना चाहिए। उसमें आप जब टॉपिक लिखे ना तो उसके बाद जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो लिखिए, कुछ भूल ना जाए, उसकी रिहर्सल जो है वो अच्छे से कीजिए। वीडियो ऐसा बना के दिख रही है कि जब आप उस वीडियो को देखो ना तो आपको खुद को खुशी होगी, यार मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। और जब आपको बार बार ही देखने का मन करेगा ना तो लोग भी उसे ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो बनाते वक्त क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और ये क्वालिटी ही है जो एंड में आपको आगे लेके जाएगी। दोस्तों, इससे अगली अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोग YouTube चैनल बनाने से पहले ही सोचने लग जाते हैं कि मेरा इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, मेरे पास अभी ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मेरे भाई, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये भी आप मोबाइल कैमरे से देख रहे हो। जो आप ये लाइटिंग सेटअप और इस सब की बातें कर रहे हो ना, क्या लाइटिंग सेटअप है मेरे पास, मतलब ये लाइटिंग सेटअप है मेरे पास। माइक जो है आप मोबाइल का कैमरा सिंपल सा यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या, एक कागज़ होता है ना, उस कागज़ के अंदर मैंने ऐसा कर रखा है कि हार्श भी ना हो, मैंने और वीडियो के अंदर बताया भी था। बट ये मत सोचना यार कि आपका मतलब इक्विपमेंट ज़रूरी नहीं है। भाई, इक्विपमेंट ज़रूरी है, लेकिन इक्विपमेंट जो है वो मतलब कि जो लोग ये बोलते हैं ना इक्विपमेंट ज़रूरी नहीं है, पहली बात तो मैं एक क्लियर कर दूँ कि इक्विपमेंट होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। कंटेंट अगर मेरा अच्छा नहीं है, अगर आपको मेरी बात अभी अच्छी लग रही तो वीडियो ना आप अभी काट दोगे, और अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो इक्विपमेंट, मेरी लाइट भी थोड़ी कम आ रही है, शायद आप बर्दाश्त कर लोगे और वीडियो को आप आगे तक देख लोगे। तो इक्विपमेंट ज़रूरी होता है। आजकल मोबाइल के अंदर ही बहुत अच्छे कैमरे आते हैं। माइक ज़रूर अच्छा लेना, क्योंकि आवाज़ आनी चाहिए, आपकी लोगों को सुननी चाहिए, बाकी ऐसी वैसी लाइट लगा के भी आप काम चला सकते हो, लेकिन कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, वीडियो आपका अच्छा होना चाहिए, तभी लोग बार बार ही आपको देखेंगे। नहीं तो यार, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनती हैं 100 करोड़ की, वो भी फ्लॉप हो जाती हैं। इससे अगली अगर बात करूँ तो क्यों आप किसी वीडियो को देखते हो, ये बात ध्यान रखना। एज ए क्रिएटर आप इस चीज़ को देखना कि आप किसी वीडियो को क्यों देखते हो। सबसे पहले तो आपकी नज़र में आता है, दूसरा उसका थंबनेल बहुत अच्छा होता है। थंबनेल आप देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उस पर टैगलाइन ऐसी लिखी होती है, इसको देखने के बाद उसको टैप करते हैं, उस वीडियो को देखना शुरू करते हैं। फिर अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आप उसको एंड तक लेके जाते हैं, है ना। तो अब आप भी वीडियो बनाते टाइम इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले थंबनेल, थंबनेल जब आप बनाएं तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए और एकदम से देखते ही अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर आपको थंबनेल बनाने में कोई दिक्कत आती है तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा कि अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है हेडिंग, जब आप पढ़ते हैं कि ये किस टॉपिक के ऊपर है, आपको अगर वो टॉपिक रेलिवेंट लगता है तो आप उस पर टैप करते हैं, चाहे वो फनी वीडियो हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपको टॉपिक अच्छा पसंद आता है तो उस पर आप टैप करके उस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। अब वो ऊपर रैंक कर कैसे कर रहा है, दोस्तों देखो, गूगल जो यूट्यूब जो है ना, ये ह्यूमन तो है नहीं, ये कीवर्ड को समझता है। तो ऐसे में यूट्यूब के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, टैग लिखने के लिए, हेडिंग लिखने के लिए पूरी जगह मिलती है। तो 100 वर्ड्स तक आप जो हेडिंग लिख सकते हैं वो पूरा यूज़ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डिटेल में पूरा लिख के दीजिएगा और टैग्स को जो अच्छे से यूज़ कीजिएगा। जिन जिन टैग से मतलब सर्च होता है ना, वो पूरा वो आप उसके अंदर लाइन्स के अंदर लिख दीजिएगा। आपको 500 कीवर्ड्स तक आपको टैग देखने को मिल मतलब लिखने को आपको मिल जाएंगे। सॉरी यार, वो रुकने के लिए, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और अच्छा थंबनेल बनाते हुए, अच्छा कंटेंट बनाते हुए वीडियो डालिए, डेफिनेटली आपका वीडियो ऊपर आएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। और अच्छा कंटेंट होगा तो लोग आपको सब्सक्राइब भी करेंगे।
और दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार आप जब, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना आप जब, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को बहुत हौसला मिलता है। और दोस्तों इससे अगली अगर बात करूं तो नेवर एवर कभी किसी का कॉपी मत करना यार कंटेंट आप, क्योंकि आप ओरिजिनल रहोगे तो उसमें बढ़िया। हालांकि ऐसा नहीं, मेरी खुद की यार वीडियो लोगों ने कॉपी करी है, हालांकि मैंने कभी किसी को ना कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है, चैनल बंद हो सकता है। इवन ऐसा भी हुआ है कि मेरा वीडियो किसी ने कॉपी करा और वो मेरे से भी ऊपर रैंक कर रहा था, बट चलो ठीक है यार, मतलब कि कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह मैं बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन आप ये सोचो कि एक बार उसने कॉपी कर लिया, दूसरी बार किसी और से कॉपी कर लिया, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट जिसको मालूम पड़ेगा एंड में तो ओरिजिनल ही ग्रो करने वाला है ना, तो कॉपी कंटेंट से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। जेन्युइन अपना कंटेंट रखो और अपने चैनल को भी एक हेल्दी रखिए ताकि आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। और हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, मतलब ये जो चलता है ना आजकल सब फॉर सब, तुम मुझे सब करो मैं तुम्हें सब करूँगा, ये सबसे ज़्यादा मतलब YouTube वाले ऐसे चैनलों को, YouTube जो है ऐसे चैनलों को सबसे पहले जो है डिलीट कर देता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप सब फॉर सब कर भी लोगे ना तो सब्सक्राइबर एक बारी को आपको शायद मिल जाए, लेकिन वॉच टाइम आपको नहीं मिलेगा, और अर्निंग्स आपकी वॉच टाइम से और व्यूज़ से होने वाली है, सब्सक्राइबर से नहीं होने वाली है। दूसरा कई बार ऐसा होता ना, मैंने दोस्त के उसमें शेयर कर दिया, फ्रेंड्स में शेयर कर दिया, व्हाट्सएप में शेयर कर दिया, फेसबुक में शेयर कर दिया, ऐसा हो सकता है दोस्तों कि इससे आपको फ़ायदे के बजाय लॉस हो जाए। कैसे? देखो ऐसा है कि जो जिन लोगों को आप शेयर कर रहे हो उनको हो सकता है उस टॉपिक से कोई मतलब ही नहीं है, वो 5 सेकंड देखे 10 सेकंड देखे उसके बाद उन्हें लगेगा यार ये तो मेरे मतलब का कंटेंट है नहीं, और उस फटाफट वीडियो को बंद कर दे। और YouTube क्या सोचेगा? YouTube ये सोचेगा कि यार इस वीडियो के अंदर तो वॉच टाइम ही नहीं है, लोगों को ये पसंद ही नहीं आ रहा, लोग जो देखना स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटली वो उसको हटा देते हैं, तो इसका मतलब ये वीडियो में दम नहीं है, उसको हटाओ, तो इससे आपको लॉस हो जाएगा। उल्टा अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में शेयर कर देते हैं ना जिसके अंदर मतलब कोई रिलेवेंस नहीं है और वो लोगों ने फ्लैग कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, तो चैनल भी सस्पेंड हो सकता है। और YouTube जो है उसको सब कुछ मालूम है कि ये WhatsApp से आ रहा है, किसी आउटसोर्स से आ रहा है, Google सर्च से आ रहा है, या फिर YouTube से आ रहा है, या रिकमेंडेड से आ रहा है, तो YouTube को सारी चीज़ों का आइडिया है। इसलिए अपने कंटेंट पे क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, और ये जो इनरेलीवेंट जो सब्सक्राइबर या इनरेलीवेंट व्यूज़ आपके होते हैं ना, आपको लॉस पहुँचाते हैं प्रॉफिट के मुकाबले, तो इस चीज़ का जेन्युइनली ध्यान रखिएगा। दोस्तों इससे अगली अगर चीज़ की बात करूँ तो वो मुझसे अच्छा शायद कोई और आपको नहीं समझा सकता, वो है कंसिस्टेंसी। मैंने जब शुरुआत में चैनल शुरू करा तो मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था, हालांकि मैं सोचता था कि मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। 4-5 बार मेरे को यूट्यूब से इनकम आ भी चुकी है, और जब आपको इनकम आनी स्टार्ट होती है तो आपको लगता है कि अरे तो अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, आप रेगुलर वीडियो डालना चाहिए। तो मैं पिछले कुछ टाइम से जो है अब रेगुलर हो गया हूँ और रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, और मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ कि यार अगर आप जितना रेगुलर वीडियो डालोगे ना उतना ही लोगों से आप रिलेट कर पाओगे, उतना ही आपके व्यूवर्स भी आपसे रिलेट कर पाएंगे। और धीरे धीरे होता क्या है ना, जब आप कंसिस्टेंट होते हैं ना तो लोग आपकी वीडियोज़ की वेट करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है यार अगर मैं खुशनसीब हूँ तो हो सकता है कोई मेरी वीडियो की वेट कर रहा हो, और अगर मैं उसे टाइम पे वीडियो नहीं दे रहा तो मैं बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूँ। अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर आपने आपके ऊपर किसी ने भरोसा करा है तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि आपने जो भी कंसिस्टेंट मतलब अपना सोचा है कि हफ्ते में 2 बार ही दूंगा, 1 बार ही दूंगा, महीने में 4 बार ही दूंगा, तो आपको वीडियो देना ज़रूरी है। ये आपके चैनल को ग्रो करेगा और लोग आपके ऊपर भरोसा लाएगा। तो अगर किसी ने आपके ऊपर विश्वास किया है ना तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, बहानेबाजी बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मेरा ये खराब था, तबीयत खराब थी, फलां था। अब मैं आपको लास्ट डे की बात बताता हूँ, कल मेरा जो है कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो आप यकीन करेंगे मैंने अपनी सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करके और मैंने वीडियो डाला है। जिन्होंने कल का वीडियो देखा था उनको आइडिया लग गया होगा वो शाओमी वाला कि कैसे शाओमी बड़ी कंपनी बनी। कैमरा काम नहीं कर रहा था दोस्तों, तो मैंने रिकॉर्ड वैसे ही करके वीडियो बना दिया, जितना मेरे से हो सका मैंने करा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं निराश ना करूं अपने सब्सक्राइबर को या जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको। दोस्तों इससे अगली अगर बात करूं तो नई नई चीज़ें सीखते रहो, दुनिया में मतलब गूगल है, यूट्यूब है, सर्च इंजन इतने सारे हैं, और जो नई चीज़ आपको देखने को मिले और आपको पसंद आए ना लोगों के साथ शेयर करो, यही यूट्यूब है। मुझे आज कुछ नया चीज़ सीखने को मिला, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ शेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मेरे अंदर थी, मुझे लगा कि इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, मैंने आपको शेयर कर। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करोगे वीडियो को। और अब फाइनल बात कर लेते हैं कि YouTube एज ए कैरियर या पार्ट टाइम या फिर नहीं। दोस्त सबसे मतलब अपने दिल की बात आज मैं आपको किताब खोल के आपको बता देता हूँ, शुरुआत में ना इसको बिल्कुल भी परमानेंट मत लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने YouTube वीडियो बनाया और कल से आपको अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, 1000 आपको सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। और वो भी ऐसा नहीं है, $100 जब तक एडसेंस में नहीं आएंगे ना तब तक आपके अकाउंट के अंदर पैसा आना शुरू नहीं होगा। तो ऐसे में शुरुआत में पार्ट टाइम रखिए, पूरी मेहनत कीजिए, अच्छे वीडियोस डालिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, और साथ में दूसरा काम करते रहिए। जिस दिन आपको ये लग जाए कि मेरे दूसरे काम से या मेरे मेन बिजनेस से या सैलरी से या जो भी आपकी अर्निंग्स हो रही है वहाँ से दुगने के करीब पैसा मेरे को आने लग गया है, फुल टाइम में आप स्विच कर सकते हैं। चैनल को अच्छी क्वालिटी पे बना के रखिए,
डेफिनेटली अर्निंग्स बहुत अच्छी है, 20 से 25 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। YouTube बिल्कुल मतलब ईमानदारी से आपको पैसा देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग्स आपको दिखती भी रहती है। ये मेरा अपना खुद का सजेशन है, फुल टाइम कर सकते हैं लेकिन शुरुआत पार्ट टाइम से करनी चाहिए। दोस्तों मेरे को जैसा लगा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो और अलग से जो मोबाइल वगैरह के लैपटॉप वगैरह के वीडियो देखने के लिए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्दी, और इस वीडियो में कोई भी आपको चीज़ डाउट लगी हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको डिटेल में जवाब देने की।